सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहब। धन्यवाद। ये लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान कितना संघर्षशील रहा आपके लिए यहाँ तक पहुंच पाना, और कैसे देखते हैं आप इस उपलब्धि को, इसके बारे में बताएं। चुनौती भरा है और हमेशा हमारी इच्छा रही है कि अधिक से अधिक कार्य करने का क्या स्पेस मिले, जगह मिले, और मुझे लगने लगा था कि मुझे ऐसी जगह चाहिए जहां पर मैं अपनी क्षमता को और विस्तार दे सकूं, जिससे कि चिकित्सा जगत में, मेडिकल एजुकेशन में मरीजों के लिए और अधिक काम करूं। ये सारी चीजें हैं। अभी आपने 1986 में लेक्चर की पक्ष शुरुआत करी जी, तमाम किताब 5 किताबें आपने लिखी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके पेपर प्रकाशित होते रहे जी, अब ये उपलब्धि कैसे देखते हैं आप? अब जितना तजुर्बा, जो अनुभव हुआ है, उस अनुभव को अभी तक मैंने अपने लिए किया अधिकतर, अब दूसरे के लिए करना। मुझे अच्छे डॉक्टर्स बनाने हैं जी, अच्छे मेडिकल स्टूडेंट्स तैयार करने हैं, गुणवत्ता, जिससे कि वो गुणवत्ता पर इलाज कर सके और आधुनिक तरीके से कर सके, जिससे हमारे मरीजों को फायदा हो। तो मैं चाहता हूं जो मैंने सीखा है वो मैं अब नवनिर्माण में बिल्कुल लगा सकूं। KGMU काफी पुराना मेडिकल कॉलेज है लखनऊ का, काफी बेहतर है, प्रदेश भर के मरीज वहां पर रहते हैं जी। क्या वहां से लेके जाएंगे जो लोहिया संस्थान को और बेहतर कर पाए वहां से कुछ ऐसा, या फिर उससे और बेहतर करने की कोशिश क्या रहेगी आपकी? देखिए, जो पहले का है वो हमेशा अच्छा होता है बिल्कुल, और लेकिन कोई सीमा है नहीं, वहां जाएंगे उसको भी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो चीज मैंने KGMC में देखा सीखा उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि सब कुछ मैंने वहीं से सीखा है। क्या ऐसा क्या खास रहेगा KGMU का जो आप वहां पे चाहेंगे कि वो भी हो और उसके साथ आप आगे बढ़ाएं राम लोहिया संस्थान को? KGMU में जो अनुशासन है, जो पढ़ाई का है, और एक आबो हवा वहां की है कि मेहनत करने की, जो कल्चर है, मैं चाहता हूं यही अनुशासन वहां बना रहे। सर, एक सबसे बड़ा अब जो बात आती है विजन की, लोहिया संस्थान के लिए क्या विजन है आपके पास, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में आपको अगर चुना गया है तो जाहिर सी बात है बिल्कुल अलग होगा, और क्या है खास वो? विजन ये है कि इसको दोनों तरह से हम इसको महान बना सकें, परंपरागत तरीके से और आधुनिकतम तरीके से, कि जो हॉस्पिटल, जो मेडिकल कॉलेज जहां रिसर्च अच्छा होता है, जिस हॉस्पिटल में वहां इलाज भी अच्छा होता है, क्योंकि रिसर्च में आप नई चीजें देखते हैं, आपकी जिज्ञासा बढ़ती है, आप वैज्ञानिक तरीके से और अच्छी तरह से इलाज करते हैं, तो इस रिसर्च को बढ़ावा देंगे जिससे लोगों में ज्ञान भी बढ़े और इसका फायदा मरीज को। एक बड़ी समस्या भी कह सकते हैं और एक तरफ खुशी की भी बात है, आप KGMU में जिस विभाग से आ रहे हैं और यहां पहुंच रहे हैं तो एक तरफ एक खुशी है, लेकिन दूसरी तरफ आप जिस विभाग को छोड़ रहे हैं वहां पे डॉक्टर्स की भी कमी है, कैसे देखते हैं आप? आपका एक तरफ इस तरफ ग्रोथ भी है, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक ही KGMU का नुकसान भी कहूंगा, कैसे मैनेज होगा और क्या सलाह दी है आपने प्रशासन को कि डॉक्टर्स के लिए? देखिए, जीवन एक निरंतर प्रक्रिया है, ये तो बहती धारा है, कहीं रुकती नहीं, लेकिन यह है कहीं किसी के जाने से कोई काम रुकता नहीं, और मैं प्रयास करूंगा कि जहां से छोड़ के आया हूं वहां के लिए भी मैं मार्गदर्शक बना रहा हूं, और प्रयास करूंगा कि वहां भी और अच्छे लोग आए, और चूंकि एक पौधा है लगाया हुआ है तो मैं जाके हमेशा देखा करूंगा कुछ पौधे में पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। करने के लिए ये थे हमारे साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान के नव नियुक्त निदेशक। उन्होंने बताया कि KGMU एक पौधा है जिसे वो लगातार सींचते रहेंगे और देखते रहेंगे। ETV भारत के लिए शुभम सुमन पांडे।